जौनपुर मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के गौरही महादेव बाजार में मनबड़ युवकों ने किसी मामूली बात को लेकर हुए विवाद में एक अधेड़ को ईंट पत्थर से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। मौत की समाचार जैसे ही बाजार के व्यापारियों को लगी, धड़ाधड़ दुकानें बंद कर दी। सरेआम हत्या से बाजार में सनसनी फैल गई। मड़ियाहू थाना की भूसहरा गांव निवासी स्वर्गीय राजनारायण यादव का पुत्र सुरेंद्र यादव उम्र 50 वर्ष शुक्रवार की शाम 7:30 पर बाजार गौरही महादेव पर आए हुए थे। बाजार के देसी शराब की दुकान के बगल स्थित रामदुलार पटेल के चाय पान की दुकान पर बैठकर कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। तभी बताया जाता है कि गांव के ही दो मनबड़ चाय पान की दुकान पर पहुंच गए और किसी मामूली बात को लेकर सुरेंद्र यादव से कहा सुनी होने लगी। देखते ही देखते बात मारपीट पर आ गई। उसके बाद आरोप है कि दोनों ने सुरेंद्र यादव को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। जब वह जमीन पर गिर पड़े तो दोनों मनबड़ों ने पास पड़े बड़े बड़े पत्थरों से मार कर मौत के घाट उतार दिया। चाय पान का दुकानदार रामदुलार पटेल मौके पर हत्या जैसी वारदात को देखकर दुकान बंद कर भाग गया। उसके बाद जैसे ही बाजार में सुरेंद्र यादव की हत्या की खबर फैली, धड़ाधड़ दुकानें बंद हो गईं। बाजार के व्यापारी दहशत में आकर अपने घर चले गए। देखते ही देखते बाजार में सन्नाटा पसर गया। सूचना बाजार से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित भूसहरा गांव स्थित सुरेंद्र यादव के परिजनों को लगी तो वहां से उनके बड़े भाई राजेंद्र यादव समेत परिजन बाजार में पहुंचे और मौके पर लहूलुहान पड़े सुरेंद्र यादव को एक चिकित्सक को दिखाया, लेकिन चिकित्सक ने उनकी मौत होना बताया। राजेंद्र यादव की सूचना पर मड़ियाहू कोतवाली पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है।